What's up guys, good morning, welcome to a new vlog. ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, इट्स कॉल्ड द सिनेमाले ब्रिज. इट कनेक्ट्स टू आइलैंड्स विच इज़ माले एंड होलू माले. और आपको पता होगा माले इज़ द मेन आइलैंड ऑफ मालदीव्स. और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे रिजॉर्ट की ओर, विच इज़ द कोकोगिरी आइलैंड रिजॉर्ट. ये हमारा स्पीड बोट है जिसमें ये लोग सेफ्टी जैकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस. और जो पीछे आप देख रहे हो आइलैंड, दैट इज़ द मेन आइलैंड विच इज़ माले आइलैंड. और मालदीव्स बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर कनेक्टेड. ये है हमारे रिजॉर्ट का एंट्रेंस पॉइंट. आप जैसे इधर पहुंचोगे तो दी स्टाफ गाइस वुड कम टू वेलकम यू. और बाद में ये लोग आपका लगेज ले, यू वुड प्रोसीड टू कंप्लीट द चेक इन फॉर्मेलिटीज. और उधर आप रिलैक्स कर सकते हो बिफोर हेडिंग टू योर रूम्स. ये कोकोगिरी आइलैंड रिजॉर्ट, अराउंड 50-60 मिनट्स लगे हम स्पीड बोट में. काफ़ी एडवेंचरस राइड था क्योंकि सी में कभी हम लोग ट्रैवल करते नहीं, तो थोड़ा टर्बुलेंस वाला था, लेकिन इट वाज अ फन राइड. ये आप रिजॉर्ट देख सकते हो. तो आइए फिर हम आपको दिखाएंगे आगे. चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे बीच विला की ओर. पहुंच गए हमारे रूम पे. तो ये हमारा बीच विला है जो हमने फर्स्ट 3 डेज के लिए लिया था. तो आइए आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा बीच विला. इधर एंट्रेंस में ही आप देख सकते ड्रेसिंग टेबल जैसा मिरर है. और इधर इन लोगों ने सैंडल्स प्रोवाइड किए हैं और 2 अम्ब्रेलाज और एक ये बैग. यहाँ पे शूज रखने के लिए ड्रॉर दिया है. राइट आप देखोगे तो ये वॉशरूम दिया है. इधर ये बाथटब है, ये वॉशरूम है. इधर बाथटब, यहाँ पे आपको शावर और नहाने के लिए अगर अंदर लेना हो तो अंदर और बाहर भी दिया है. दोनों चीज़ें जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे. सब वही नॉर्मल टूथब्रश और सोप और कंडीशनर और शैम्पू और वो सब चीज़ें. हमारा रूम है, यहाँ पे देख सकते हैं कबर्ड दिया इन लोगों ने. ये हमारा बेड. और जो रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है ये व्यू. इधर से तभी अभी आप देख सकते हैं उधर लाइट, हवा चलती है. आप आराम से बैठिए रात को. Hey guys, good morning. तो ये हमारा पहला दिन है और ये आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग जो व्यू है मेरे पीछे, हमारे जो बीच विला के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको. एकदम ब्राइट और सनी डे और सामने सिर्फ पानी ही पानी, और वो भी ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों कलर का पानी दिखेगा. ये जो सामने आप देख रहे हो वो सब
वाटर विलाज है जो रिजॉर्ट की दूसरी ओर है, और ये हमारा बीच विला बाहर से। आ गए हमारे रिजॉर्ट पे, और ये हमारे रिजॉर्ट का एंट्री पॉइंट। इधर जो आपका वो शेयरिंग बोट एयरपोर्ट से आपको ले आते हैं उधर आएगा, और इधर से चल के यू हैव टू गो इनसाइड। ये मेन गेट जैसा है रिजॉर्ट का, देख सकते हैं आप पानी के ऊपर। और मेरे पीछे ये रिसेप्शन एरिया है मेन, देखिए आप पीछे देखिए रिसेप्शन एरिया। और वो आप देख सकते हो इधर बार और कैफे है एक, और उसके बाजू में रेस्टोरेंट। तो ये मेरे पीछे रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आते ही आप बैठ सकते हो वेलकम टाइप वाले कुछ भी जूस या फिर वो सब सर्व करेंगे आपको, एंट्री फॉर्म और वो सब फिल करना है इधर। फिर इधर आप आओगे तो उनका एक शॉप है लोकल, अगर आपको कुछ भी लेना हो तो इसके अंदर जो भी मालदीव उसका लोकल आइटम्स है वो सब उसका एक शॉप बनाए। और ये है आइसक्रीम, किसी को खाना हो तो यहाँ पे सब कुछ डॉलर में प्राइस लिखा है, तो डॉलर चल जाता है इधर एज अ करेंसी, तो आप डॉलर यूज़ कर सकते हो इधर। और यहाँ पे छोटा सा इंडोर गेमिंग के लिए बना है, ये है सॉकर, सॉकर खेलना होता है इधर खेल सकते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और ये है पूल टेबल, अगर आपको पूल खेलना हो तो आप इधर पूल खेल सकते हो आराम से चिल करके। और ये भी है छोटे बच्चों के लिए किंडर गार्डन जैसा, प्ले हाउस जैसा टाइप, उनको कोई भी गेम्स खेलना होता है उसके लिए। तो ये गाइस मेरे पीछे बार एंड काफे है रिजॉर्ट का, इसका नाम वाइट सैंड्स बार एंड काफे। आपको जो भी अल्कोहल या फिर कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो सब कुछ इधर मिल जाएगा। इधर भी बैठने का बहुत ही अच्छा है, आपको सामने ही बीच का व्यू दिखेगा, तो आप इधर शांति से बैठ के रिलैक्स कर सकते हो आराम से। ये है बाहर का काउंटर, कुछ भी लेना होता है। स्विमिंग पूल, आप इधर भी आके अगर थोड़ी देर रिलैक्स करना हो तो आके कर सकते हो। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है इधर का स्पा और मसाज वाला सेंटर, अगर आपको स्पा और मसाज चाहिए तो आप इधर आ सकते हो। छोटा सा अच्छा सा बना है ये। और गाइस ये है टेबल टेनिस इंडोर गेम्स, अगर आपको खेलना हो तो एक टेबल टेनिस का टेबल भी है, तो आप इधर आके आराम से खेल सकते हो टेबल टेनिस और टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना। और उसके बाद में ही जिम भी बना है लोगों ने, कोकोनट जिम देख सकते हो इसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो आपको अगर वर्कआउट करना हो बेसिक तो आप कर सकते हो इधर। प्राइवेट बीच का एक एक्सेस मिल जाता है सीधा इधर से, ये भी बहुत अच्छा है अगर आपको स्टे करना हो तो। हमारे सजेशन के हिसाब से आप
दोनों में स्टे कीजिए, 2 दिन इसमें स्टे कीजिए और 2 दिन वाटर विला में स्टे कीजिए, तो आपको दोनों एक्सपीरियंस हो जाएंगे और आपके बजट में भी काफ़ी फ्रेंडली रहेगी। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, सी यू।